Hello, my little flowers. How are you? All are fine. Okay. Now today's our subject English. आज हम English में capital letter F की practice करेंगे. F for fish. Fish सबने देखा है ना? सबने fish देखा है ना? हाँ. किस किस के घर पे fish का house है? मछली घर किसके किसके घर पे है? और fish तो कलरफुल होती है ना, अलग अलग कलर की फीस होती है ना. और हम फीस कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं ना फीस. हाँ, तो आज हम सीखेंगे एफ फॉर फीस. क्या सीखेंगे? कैपिटल लेटर एफ. एफ फॉर फीस. फीस किधर रहती है? पानी में. वाटर एनिमल है ना फीस. तो चलो लेट स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू मेक फिश. हम देखेंगे हाउ टू मेक कैपिटल लेटर एफ. कैपिटल लेटर एफ हम कैसे बनाएंगे वो देखेंगे. तो चलो देखो, पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन और वंस अगेन स्लीपिंग लाइन. वन स्टैंडिंग लाइन और टू स्लीपिंग लाइन. क्या बन गया हमारा? कैपिटल लेटर एफ. एफ फॉर फिश. तो चलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस इन फोर लाइन. कैपिटल लेटर एफ. एफ फॉर फिश. तो चलो, हाउ टू मेक एफ फॉर फिश. स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन. कैपिटल लेटर F. F for fish. Capital letter F. F for fish. Standing line, sleeping line, sleeping line. Capital letter F. F for fish. Standing line, sleeping line, sleeping line. Capital letter F. F for fish. Standing line, sleeping line, sleeping line. Capital letter F. F for fish. Capital letter F. F for fish. Standing line, sleeping line, sleeping line. Capital letter F. F for fish. F for fish. Pick and write students. Capital letter F. F for fish. 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 Speak and write students. Capital letter F. F for fish. तो देखो स्टूडेंट्स, हमने कितनी अच्छी तरीके से कैपिटल लेटर एफ की प्रैक्टिस की. एकदम इजी है ना. जैसे हमने ई फॉर एलिफेंट बनाया था, उसमें हमने थ्री स्लीपिंग लाइन बनाई थी और एफ में हमको टू स्लीपिंग लाइन बनाना है. एकदम इजी है ना स्टूडेंट्स. तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम ए टू जेड की ओरल प्रैक्टिस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. A for apple, B for ball, C for cat, D for duck, E for egg, F for fish, G for grapes, H for horse, I for ice cream, J for joker, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange, P for pencil, Q for quill, R for rat, S for sun.
T for tiger, U for umbrella, V for van, W for watch, X for Xmas tree, Y for yacht and Z for zebra. तो students, आज हमने capital letter F and capital letter A to Z की oral practice की है. अब हम students, आगे हमने जितने भी capital letter देखे हैं, उसकी practice one time करेंगे. तो let's start. देखो, इससे पहले हमने कौन से capital letter सीखे थे? A for apple, B for ball, C for cat, D for duck, E for egg. And आज हमने क्या सीखा students? Capital letter F. F for fish. Okay students? तो आपको अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में कैपिटल लेटर एफ की प्रैक्टिस करनी है, एफ फॉर फिश, एंड ए टू जेड का ओरल प्रैक्टिस करना है आपको घर पे. स्पीक एंड राइट स्टूडेंट्स.